ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लखीमपुर खीरी जिले में एक महिला के साथ हुई विभत्स घटना की निंदा करते हुए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश भर में प्रदर्शन के बजाय लखनऊ में जयप्रकाश नारायण और अन्ना हजारे की तरह आंदोलन शुरू करें, तभी पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। शिवपाल सिंह यादव ने बसरेहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 में जो सरकार बनेगी उसकी चाबी प्रसपा के पास ही रहेगी, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। उन्होंने किसी भी दल का नाम लिए बगैर कहा कि हमारा गठबंधन किसी बड़े दल से जल्द होगा। अपनी कर्मस्थली जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में 3 निर्विरोध और 1 मतदान से चारों सीटों पर पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बनने पर कहा कि प्रसपा को क्षेत्र की जनता ने अपार समर्थन दिया है। उनका कहना है कि वर्तमान दौर में सोशल मीडिया के तहत फेसबुक ट्विटर भी जरूरी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए धरातल पर जनसंपर्क बहुत जरूरी है। चुनाव की रणनीति मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप बनाई जाती है, तभी सफलता मिलती है। अखिलेश शिवपाल के बीच जारी है शीत युद्ध। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में प्रदेश में कई जगह हुई हिंसा को लेकर कहा कि सरकार अपने ही लोगों पर अंकुश लगाने में विफल रही, जिससे अराजकता हुई। इस गुंडागर्दी पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो हालात काफी भयावह होंगे। आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच चल रहा शीत युद्ध लगातार जारी है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के लिए केवल जसवंत नगर सीट देने की बात कही थी, इससे शिवपाल और उनके समर्थक खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ये भी बोल चुके हैं कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि अखिलेश और शिवपाल मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़े तभी बीजेपी को हरा पाएंगे।